हमास के भीषण युद्ध से पूरी मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मची हुई है। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है इस भीषण युद्ध की जो असली वजह है उसकी पटकथा दिल्ली में लिखी गई है। चौंक गए ना आप। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का दावा है कि सितंबर महीने में दिल्ली में जो हुआ वो इस महाविनाश की वजह बना। इसराइल और हमास की जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हैरान करने वाला दावा किया है। बाइडन ने इस जंग के पीछे भारत का नाम जोड़ दिया है। बाइडन ने कहा है, हाल ही में दिल्ली में G20 के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का जो फैसला लिया गया, ये भी हमास के हमले की एक वजह हो सकता है। हालांकि इस दावे को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. And one more word on this. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank, that pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made, and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. They have to be held accountable. बता दें कि सितंबर में भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ था। इसमें बाइडेन, ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। इस समिट के इतर पीएम मोदी और जो बाइडेन समेत तमाम नेताओं ने महत्वाकांक्षी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया था। भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और सऊदी अरब, ये चार देश मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी IMEC। इसे ऐतिहासिक समझौता बताया जा रहा है। 9 सितंबर को इस प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत हुए थे। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस अहम करार को इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध का एक अहम कारण बताया है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में 1400 लोगों की मौत हुई है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं, जिसके बाद इजरायल के जवाबी कार्रवाई में भी कई लोगों की जान जा चुकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।